Hi everyone, welcome to Abhimanyu IAS. My name is Rohit Garcha. Abhimanyu IAS is a platform which has more than 23 years of experience in various PCS and UPSC examinations, has delivered more than 2200 results since 1999. This is to the point, जहाँ पे हम लोग prelim point of view से कोई एक टॉपिक उठाते हैं एंड उसके बारे में छोटी सी वीडियो छोटी चर्चा करते हैं एंड इन केस उस टॉपिक के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है prelims में यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट इट स्ट्रेट अवे. एंड टू द पॉइंट के अंदर आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज एक टेक्नोलॉजी है इसरो की जिसको हम देखने वाले हैं, IAD टेक्नोलॉजी. इट्स अ टाइप ऑफ डी एक्सेलरेटर. एक्सेलरेशन इज व्हेन यू आर इंक्रीजिंग, जैसे एक्सेलरेटर दबाते हैं हम गाड़ियों में या फिर रेस देते हैं ना जिसको बोलते हैं. एक्सेलरेशन इज इंक्रीज ऑफ द वेलोसिटी या फिर स्पीड, इंक्रीज ऑफ द स्पीड. हमारे केस में इट इज डी एक्सेलरेशन, तो उसकी एक टेक्नोलॉजी है उसके बारे में देखते हैं. And if you wish to cover current affairs holistically for pre as well as mains, because अभी वाला जो to the point है that is for prelim specific, it goes both in offline and online form. This course is there, current affairs course, and you get a 7 days free trial as well. You can check it out. The link is in the description. Moving on to IAD technology. इसके ऊपर एज इट इज सवाल आ सकता है, किसके ऊपर बेस्ड है, क्या चीज है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है. बहुत छोटी सी वीडियो रहने वाली है और स्ट्रेट अवे देखते हैं इसको. इसरो जस्ट डिक्लेयर्ड दैट इट हैज सक्सेसफुली डेमोंस्ट्रेटेड द न्यू टेक्नोलॉजी विद इन्फ्लेटेबल एरोडायनामिक डी एक्सेलरेटर. कुछ इस तरीके से हमारा जो है ये दिखता है. थोड़ा आगे देखते हैं इसके बारे में. IAD इन शॉर्ट इज अ टेक्निक यूज्ड फॉर एन एटमोस्फेरिक एंट्री पेलोड. री एंट्री की बात हो रही है, जब वापस कोई एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर कर रहा है तो उस पेलोड की डी एक्सेलरेशन के लिए हम ये इसको यूज करते हैं. एन इन्फ्लेटेबल एनवलप एंड एन इन्फ्लेटेंट. इन्फ्लेटेंट क्या होता है? एनीथिंग दैट इन्फ्लेट्स द एनवलप लाइक एयर और हीलियम, जिससे वो एनवलप. कौन से एनवलप की बात हो रही है ये, बाय द वे? दिस वन. ये एक एनवलप की तरह है और इसको इन्फ्लेट कर दिया जाएगा एंड इट लुक्स लाइक दिस. और इसके थ्रू आपको समझ में आ रहा होगा कि एक एयर ड्रैग आएगा और आपका जो पेलोड है इट विल स्लो डाउन. एंड एन इन्फ्लेट, इन्फ्लेटेंट, एनीथिंग दैट इन्फ्लेट्स है ना, मेकअप द इन्फ्लेटेबल एरोडायनामिक डी एक्सेलरेटर. ये उसकी क्या चीज है, मतलब बेसिकली ये वो है. व्हाइल एंटरिंग द एटमॉस्फेयर इट इन्फ्लेट्स लाइक अ बलून एंड डी एक्सेलरेट्स द लैंडर. देखो जैसे हमने देखा ये यहां पे लिखा हुआ है, द इन्फ्लेटेंट इज डिजाइन टू फिल द इन्फ्लेटेबल एनवलप टू अ कंडीशन सच दैट इट सराउंड्स द पेलोड मेंट टू एंटर द एटमॉस्फेयर ऑफ अ प्लैनेट और सैटेलाइट एंड कॉजेज एरोडायनामिक फोर्सेस टू स्लो इट डाउन. बेसिकली यहां जो बात हो रही है दैट इज एयर ड्रैग, एरोडायनामिक ब्रेकिंग के थ्रू, एयर ड्रैग के थ्रू इसको ब्रेक किया जाता है. एयर ड्रैग इज द कॉन्सेप्ट जिसके थ्रू मतलब आपके काइट्स वगैरह उड़ती हैं, पतंग इसीलिए उड़ रही होती है कि हवा इज हैविंग सम फोर्स ऑन इट और आपने उसको सरफेस एरिया बढ़ा के मैक्सिमम कॉलम ऑफ एयर को ट्रैप किया है ताकि आपके पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फोर्स आए. तो वही है इसमें. इन सिंपलर वर्ड्स IAD इज डिजाइन टू इंक्रीज, देखिए लिखा हुआ है यहां पे, ड्रैग अपॉन एंटरिंग द एटमॉस्फेयर ऑफ एनी प्लेनेटरी बॉडी like earth, mars or even moon. However the thin atmosphere may be, atmosphere is still there. To us concept ko use karte hue India ne first time nahi kiya hai. Again thoda sa aajkal trend hai ki UPSC kuch tedhe medhe question pooch leta hai, nahi jo padhe hote hain pehle kahin pe. To ye technology ke upar jo tedhe medhi baat hai wo ye hai ki it was first proposed by NASA more than 50 years ago. और कुछ इंडिजिनियस कुछ खुद से आया हुआ आइडिया नहीं है ये हमारा. द इन्फ्लेटेबल स्ट्रक्चर इज मेड आउट ऑफ केवलार फैब्रिक. ये एक क्वेश्चन पॉइंट बन सकता है, विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिंथेटिक फाइबर एंड ऑल्सो हीट रेजिस्टेंट. और आपको हीट एंड प्रेशर से तो रेजिस्टेंस चाहिए ही है बिकॉज आप री एंट्री अप्लाई कर रहे हो. इट्स नॉट लाइक कि आप घर लेट आए हो और आपके माँ बाप आपको पूछ रहे हैं, नहीं, आप एटमोसफेयर में वापस एंटर कर रहे हो, ज्यादा हीट और प्रेशर होगा इस मुकाबले. सवाल देखते हैं एक. You can pause the video and solve it. I am moving forward. सबसे पहले तो इन चीजों में हमने ध्यान रखना होता है कि पूछा क्या गया है.
यहाँ बहुत से बच्चे बहुत सारी चीजें गलत कर देते हैं। यहाँ पूछा है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स, तो हमने करेक्ट स्टेटमेंट देखनी है इसमें, किस रिगार्ड, इसमें विद रिगार्ड ऑफ आईएडी। क्या स्टेटमेंट है? इट इज बेस्ड ऑन एयर ड्रैग ब्रेकिंग। मतलब अभी आपको बहुत ईजी लगेगा क्योंकि साथ साथ हम क्वेश्चन कर लेते हैं, बट अदरवाइज ये थोड़ा सोचने में मजबूर कर सकता है। इट विल बी यूज्ड इन एयरक्राफ्ट ऑफ लो ऑल्टीट्यूड। हमने किसकी बात करी है? री एंट्री। हमने री एंट्री की बात करी थी, एयरक्राफ्ट नहीं। यहां पे ये वाली जो स्टेटमेंट है वो दो एस्पेक्ट्स में गलत हो जाती है, तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। हमारा आंसर क्या बनेगा, क्योंकि उसने पूछा सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। सो दिस वॉज द टॉपिक फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस इज अभिमन्यु आईएएस। माई नेम इज रोहित गर्चा।